सब्सक्राइब कीजिए आरके लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की लेटेस्ट अपडेट है सीटेट दिसंबर 2021 के एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट इस समय पर हम विजिट कर रहे हैं और फ्रेंड्स आप यहां देख पा रहे होंगे ये पब्लिक नोटिस है जो कि आपका कल की डेट में एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो आइए हम इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग क्या लेटेस्ट अपडेट है। फ्रेंड्स, पब्लिक नोटिस है ये जो कि 11 दिसंबर 2021 को देर रात्रि इसको रिलीज किया गया था, ई एडमिट कार्ड ऑफ सीटेट दिसंबर 2021। तो इस नोटिस में क्या कहा गया है वो देख लीजिएगा। सीटेट को फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बेस्ड मोड से लिया जा रहा है, ऑनलाइन मोड से इसे कंडक्ट किया जा रहा है और 16 दिसंबर 2021 से लेकर के 13 जनवरी 2022 तक ये डिफरेंट सिटीज में पूरी कंट्री में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं ई एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग क्या कहा गया है कि जिन्होंने फीस को पे किया है एंड अलॉटेड एग्जामिनेशन डेट्स ड्यूरिंग 16 to 31st December 2021 have been uploaded on the CTET website. Official website आप लोग देख सकते हैं CTET.NIC.in। इस website से आपको अपने admit card को download करना है और friends admit card for the candidates who have been allotted dates of examination during 1st to 13th January 2022 will be uploaded in the due course of time। तो friends ये clearly mention किया गया है CBSE की तरफ से कि जो आपका सीटेट का एग्जाम है दो फेज में कंडक्ट किया जाएगा। फर्स्ट फेज है आपका 16 to 31st December 2021। तो आप लोग अपने ई एडमिट कार्ड को यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इनको अपलोड किया जा चुका है। और सेकंड फेज आपका रहेगा 1st जनवरी से लेकर के 13 जनवरी 2022 तक और ये आपके एडमिट कार्ड बाद में जारी किए जाएंगे। और फ्रेंड्स आपके जो सीटेट के एडमिट कार्ड है एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले ही आप लोग उन्हें डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए यहाँ आगे नोटिस में भी कहा गया है द एडमिट कार्ड्स फॉर ऑल कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड इन टू फेजेस। ठीक है, दो फेज में आप लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। फर्स्ट फेज ऑफ एडमिट कार्ड्स विल कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ सिटी एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन टू एनेबल द कैंडिडेट्स टू मेक प्लान अकॉर्डिंगली एंड सेकेंड फेज ऑफ एडमिट कार्ड्स विद इंफॉर्मेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट 2 days before the examination। तो फ्रेंड्स ये देखिएगा एग्जाम से 2 दिन पहले ही आप लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी और आप लोग अपने ई एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो 2 phase में आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और कैंडिडेट को एडवाइस किया गया है उनके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट फेज एंड द सेकेंड फेज फ्रॉम द वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट आपकी यहाँ पर बता दी गई है, इस वेबसाइट से आप लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। 2 phase में आपके ये एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे जिनका एग्जाम 16 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक के बीच में पड़ने वाला है। तो ये कैंडिडेट अपने एडमिट कार्ड को एग्जाम से 2 दिन पहले ही डाउनलोड कर पाएंगे जिसमें उनकी पूरी डिटेल दी गई होगी, एग्जामिनेशन सेंटर का नाम होगा, किस टाइम पर आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, पूरी फुल इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड पर होगी और आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी अगर आप लोग डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर फुल इंफॉर्मेशन आप लोग नहीं देख पा रहे हैं तो फ्रेंड्स आप लोग वेट कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन किया है, देखो आपके एग्जाम से 2 days बिफोर ही आपके जो एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे इस नोटिस को एक बार पूरा और देख लीजिएगा। द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सिटी एग्जामिनेशन सेंटर एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड। अगर आप लोग अपने एग्जामिनेशन सेंटर की सिटी को सेंटर को या डेट को चेंज कराना चाहते हैं तो उस पर यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, इस तरह की कोई एप्लीकेशन आप लोग नहीं डाल सकते हैं। द सीटेट यूनिट हैज रिजेक्टेड इमेज ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर ऑफ सम कैंडिडेट्स व्हिच वर नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट। तो जिन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट में
ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं किया था तो सीटेट की जो यूनिट है उसने उनकी फोटोज और सिग्नेचर को रिजेक्ट कर दिया है। सच कैंडिडेट्स वर इन्फॉर्म्ड बाय सेंडिंग मैसेज ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टू अपलोड द करेक्ट इमेजेस अगेन। तो ऐसे कैंडिडेट को मैसेज कर दिया गया था उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो भी उनकी गलतियां हैं उनको करेक्ट करने के लिए। बट सम ऑफ द कैंडिडेट्स हैव स्टिल नॉट अपलोड देयर करेक्ट इमेजेस सो देयर ई एडमिट कार्ड आर नॉट इश्यूड। तो यहाँ पर देखिएगा ये बात साफ साफ कही गई है कि जिन्होंने करेक्शन अपने फॉर्म में नहीं की थी उन कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड इश्यू ही नहीं किए गए हैं। तो अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई मैसेज आया है और अभी आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों के पास अगर इमेज को या सिग्नेचर को करेक्ट करने के लिए मैसेज आया था और आप लोगों ने उसे अप्लाई नहीं किया है, मतलब अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आपने करेक्ट नहीं किया था, अगेन अपने फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड नहीं किया था, तो आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। द कैंडिडेट हैव टू अपलोड देयर करेक्ट इमेज इमीडिएटली लेटेस्ट बाय 13/12/2021 फेलिंग विच एडमिट कार्ड विल नॉट बी इश्यूड इन एनी circumstances and candidate will not be allowed to appear in examination। तो अभी भी आप लोगों को कहा गया है कि ऐसे जो candidate है वो 13 दिसंबर 2021 तक यानी कल की डेट तक अपनी करेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद से उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ इमेज देयर एडमिट कार्ड विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। अगर आप लोग कल की डेट तक यानी 13 दिसंबर 2021 तक अपनी फोटो एंड सिग्नेचर को करेक्ट कर लेते हैं तो वेरिफिकेशन करने के बाद इमेज की आपके एडमिट कार्ड को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको लेटेस्ट एक चांस और दिया जा रहा है। तो अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई मैसेज या ईमेल आया है कि जिससे आपकी फोटो अपलोड नहीं हुई है ठीक से या फिर आपके सिग्नेचर क्लियर नहीं है तो आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा और अभी भी एक चांस आप लोगों के पास है। तो अपने फोटो और सिग्नेचर को आप लोग करेक्ट करके जल्दी से अपलोड कर दीजिएगा ताकि आप लोग भी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सके और सीटेट के एग्जाम में अपीयर हो सके। और फ्रेंड्स अगर आप लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे केस में आप सीटेट की यूनिट सीबीएसई ओन ये फोन नंबर आपको दे दिए गए हैं, यहाँ पर 9 बजे से लेकर के सुबह के और 5:30 बजे तक आप लोग यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये फोन नंबर आपको दे दिए गए हेल्पलाइन नंबर, इन पर अगर आपको कोई क्वेरीज करनी है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वर्किंग डेज के दौरान। द कैंडिडेट्स मे नोट दैट नो ई एडमिट कार्ड विल बी सेंड टू देम बाय पोस्ट। तो किसी भी कैंडिडेट को बाय पोस्ट ई एडमिट कार्ड को नहीं सेंड किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये ऑफिशियल वेबसाइट आपकी दे दी गई है, इस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप लोग अपने ई एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हमारे पास इतनी क्वेरीज आ रही है एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, बट आप लोग देखिए कहीं कहीं वीडियोस देखने के बजाय इस एडमिट कार्ड पर जो भी आपका नोटिफिकेशन है ये इसको एक बार ठीक से अच्छे से 2 मिनट लगा करके इसको पढ़ लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर एक एक चीज आपको क्लियरली बता दी गई है और आज की इस वीडियो में हमने लाइन टू लाइन सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की है, आपके सामने पूरा इस नोटिस को क्लियर किया है। आई होप सारी बातें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, और अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई मैसेज आया हुआ है सीबीएसई की तरफ से तो आप अपने फोटो और सिग्नेचर को करेक्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। अगर खुद से आप नहीं कर पाते हैं तो किसी कैफे वाले से भी आप करा सकते हैं। 13 दिसंबर तक का आपको और टाइम दिया गया है और फ्रेंड्स एग्जाम से 2 दिन पहले तक ही आप लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे और जो भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर या सिटीज वगैरह है उनमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आज और अभी के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि सब कैंडिडेट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों की अभी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।